class, welcome to my YouTube channel A Grade Maths. Today we are going to do exercise 3.3, question number 3 of chapter 3 and sum number 3 and 4 of class 10. So let's see once again what is the question of question number 3. From the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substituting method. Here method is given, you have to solve pair of linear equation by substitution method. And you have to find from this word problems pair of linear equations. So question sum number 3 is, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. What we have to find? Cost of each bat and each ball. जो हमें यहाँ पे find करना है उसे सबसे पहले हम assume कर लेंगे. तो हमें यहाँ पे find करना है cost of each bat and each ball. तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the cost of each bat be rupees x and the cost of each ball be rupees y. यहाँ पे सबसे पहले हमने सर दोनों के लिए assume कर लिया है. उसके बाद now from the given data. नाउ हमें क्वेश्चन में यहाँ पे जो कंडीशन दी है उसके ऊपर, मतलब कि यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके ऊपर से 7 बैट्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स. सो 7 इंटू एक्स 7x प्लस 6 बॉल्स, सो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई. सो यहाँ पे 6 इंटू वाई 6y इज इक्वल टू 3800. नाउ फॉर एज पर सेकेंड कंडीशन 3 बैट्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट रुपीज एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस, अब आप समझ गए होंगे 5 बॉल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1750. इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गए. नाउ हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू बना रही हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रही हूँ 3800, ये प्लस में से जाएगा माइनस में एंड 7 जाएगा डिवाइड में. सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2. तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारे लिए क्या है, तो इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 1750. देयरफॉर 3 वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. नाउ यहाँ पे क्या करना है, 7 LCM लेके वो उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 3800, तो 3 इंटू 3800 कितना होने वाला है, तो 3 इंटू 3800 होने वाला है 14400. मल्टीप्लीकेशन आप दो जीरो पीछे लगा देंगे, 8 3 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस यहाँ पे कैरी कितना था 2, तो 9 प्लस सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155. वॉट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर सबसे पहले देखे तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे जो चार्ज लग रहा है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट पार्ट है वो फिक्स चार्जेस है एंड सेकेंड पार्ट क्या है, चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड. यहाँ पे डिस्टेंस जितना हो रहा है उतना और फिक्स चार्ज दो हो रहा है. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 10 किलोमीटर के लिए जो पेड है वो है 105
एंड सेकेंड हमें दिया है 15 किलोमीटर के लिए 155। एंड हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट वाला, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, ये हमें फाइंड करना है। एंड देन सेकेंड, पहले फर्स्ट यहाँ तक कर लेते हैं, देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे और फिर वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द fixed charges be rupees x and the charge for the distance covered बी रुपीज वाई पर किलोमीटर। नाउ यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि फिक्स चार्ज हमारा होने वाला है एक्स एंड जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर किलोमीटर वो हो रहा है वाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले देखो फिक्स चार्ज है तो वो तो हमें ऑलरेडी पे ही करना ही है। तो सबसे पहले हम पे करेंगे एक्स रुपीज प्लस प्लस हमने कितना डिस्टेंस कवर करना है 10 किलोमीटर, पर किलोमीटर चार्ज कितना है वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y। उसके लिए उसने कितने रुपीस पेड किए हैं तो 105। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेम वे सेकेंड में भी फिक्स चार्ज तो उन्हें पे करने ही है, प्लस प्लस कितना किया है तो प्लस उन्होंने किया है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, तो 15y इज इक्वल टू पे किया है 155। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन मिल चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रखनी है, तो x की जगह में रखनी है 105 माइनस 10y प्लस, क्योंकि अभी ये टर्म लिखना बाकी है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देयरफॉर अब 105 किस में है, प्लस किस में जाएगा माइनस, तो इस तरफ हो जाएगा 155 माइनस 105। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 15 माइनस 10 हो जाएगा 5y। बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर 15 है तो प्लस, तो यहाँ पे भी आएगा प्लस। देयरफॉर 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 155 माइनस करना है 105, तो आंसर आ जाएगा 15। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन, अब यहाँ पे देखो आप इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर सकते हो और आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिली है उसमें भी आप पुट कर सकते हो, तो मैं अभी के लिए इसमें पुट कर रही हूँ। अभी तक हमने इक्वेशन में कैसे करना है वो हम आगे के समय देख चुके हैं, बट अभी हम इसमें कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 105 माइनस 10 एंड y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 सा कितना हो जाएगा 100, तो 105 माइनस 100, तो 105 माइनस 100 हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 5। तो मतलब हमें x एंड y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें आगे एक और सम पूछा है यहाँ पे कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस वो कितना भी कवर करे पर उसे फिक्स चार्ज तो देना ही है, तो मतलब x रुपीज तो उसे पे करने ही है, प्लस 25 किलोमीटर के लिए पे करना होगा 25y। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25, तो ऑलरेडी अपने आप में वैल्यू है, एंड y की वैल्यू कितनी मिली है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 25 इंटू 10 250 एंड एडिशन करेंगे तो क्या होगा 255 रुपीस। तो इतने रुपीस उसे 25 किलोमीटर के लिए पे करने हैं। सम बिल्कुल ईजी है, आपको यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए उसको समझना है, उससे उसके मुताबिक क्वेश्चन समझ के अगर आप करेंगे तो सम बिल्कुल हार्ड होने वाले नहीं है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।